अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वी स्कूल में मैं आप तमाम ही तुलबा का इस्तकबाल करती हूँ। आइए बच्चों, अब हम मज़मून जुग्राफिया इसमें सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये एक अखबार में शाये खबर है। इस खबर का हम बगौर मुतायला करेंगे और फिर पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। आइए इस खबर को देखते हैं। मृत्यु चे तांडव यानी मौत की तबाही। भूकंपाने नेपाल मधे 1500 जनाचा बाड़ी, यानी इस जलजले की वजह से नेपाल में 1500 लोगों की मौत वाक़ हुई थी। ये जलजला 80 सालों के अंदर सबसे बड़ा जलजला था, जिसके झटके भारत के 22 राज्य में महसूस किए गए थे, जिसकी जद में भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, लाहौर और तिब्बत वगैरह भी आए थे। यह जलजला 11:40 पर लगा था। इस जलजले की वजह से भारत में 53 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग जख्मी हुए थे। तिब्बत में इस जलजले की वजह से 12 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 20 लोग जख्मी हुए थे। उसी तरह बांग्लादेश में 2 लोगों की मौत हुई थी और 100 लोग शदीद जख्मी हुए थे। काठमांडू में भी इस झटके को महसूस किया गया था, जिसकी वजह से कई इमारतें गिर गई थी। इस जलजले को नापने के लिए एक आले का इस्तेमाल किया गया था, जिसे रेस्टर स्केल यानी रिक्टर इकाई भी कहा जाता है। पहला झटका 7.9 पर सुबह 11:40 पर लगा था, तो वहीं दूसरा झटका 6.6 पर दोपहर 12:19 पर लगा था। इस झटके का मरकज जो था वो लामजुंग नेपाल था। आइए अब बच्चों हम कुछ सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, मौत की तबाही किस वजह से हुई? इसका जवाब है, मौत की तबाही जलजले की वजह से हुई। सवाल नंबर 2 है, जलजले की शिद्दत कितनी थी? इसका जवाब है, जलजले की शिद्दत पहली बारी में 7.9 थी और दूसरी बारी में 6.6 थी। सवाल नंबर 3 है, जलजले की वजह से कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ? जवाब है, जलजले की वजह से नेपाल ये मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सवाल नंबर 4 है, जलजले का मरकज कहाँ था? इसका जवाब है, जलजले का मरकज लामजुंग नेपाल में था। सवाल नंबर 5 है, जलजले की वजह से किस किस तरह के नुकसान हुए? इसका जवाब है, जलजले की वजह से जानी व माली नुकसान हुए, बहुत ज़्यादा तबाही हुई और बहुत सारे लोग मारे गए। सवाल नंबर 6 है, जलजले के मरकज़ की गहराई कितनी थी? इसका जवाब है, जलजले के मरकज़ की गहराई 11 किलोमीटर अंदर थी। सवाल नंबर 7 है, आपके ख्याल में जलजले के वक़ू पज़ीर होने की वजह क्या है? तो इसका जवाब है, जलजले के वक़ू पज़ीर होने की वजह कोए साज ज़मीन में होने वाली हरकत है। सवाल नंबर 8 है, क्या आपने कभी जलजले का तजुर्बा किया है? इसका जवाब है, बाज़ औक़ात ज़मीन पर मुख्तलिफ कुदरती आफात रुनुमा होती रहती है, जैसे कि सैलाब, तूफ़ान, बर्फ़ानी बारिश, 80 से ज़्यादा बारिश वगैरह। इस तरह ज़मीन के नीचे भी हलचल की वजह से जलजले और आतिशफिशा जैसे फटते हैं, जिसे कुदरती आफतें कहते हैं।
कुदरती आफात की वजह से जानी व माली नुकसान होता है।